कम इन सर। आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। भानु प्रताप सिंह जी सर, आप बाड़मेर से हैं जी सर, तो रिफाइनरी से स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और कितने लाभ मिलने की संभावना है स्थानीय नागरिकों को? जी सर, सर सबसे पहले तो रोजगार है, एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से भी ज़्यादा का स्थानीय रोजगार मिलेगा। दूसरा, चूंकि कंपनीज आएंगी, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां भी आएंगी, तो जो गवर्नमेंट के CSR के जो प्रोविजंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसके तहत वहाँ वो जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेंगे, एजुकेशन का हो, हॉस्पिटल का हो, तो उस सब में वहाँ लोकल एरिया डेवलपमेंट होगा। ऐसे मैं मानता हूँ इसके काफ़ी और भी हम जब पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि बाड़मेर जैसलमेर सूखा है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर ने बिल्कुल ही हिमालय बना दिया, पंजाब बना दिया जैसलमेर बाड़मेर को। क्या ये बात बिल्कुल सही है? सर ये पंजाब तो नहीं, लेकिन हाँ अब वो जो सूखे वाली बातें हैं वो पुरानी हो चुकी है। इंदिरा गांधी नहर ने वहाँ शिव क्षेत्र जो बाड़मेर और जैसलमेर बॉर्डर पे पड़ता है और मुख्य रूप से बाड़मेर के अंदर है, वहाँ आप सिंचाई की व्यवस्था काफी। बाड़मेर में कितनी तहसील है? सर बाड़मेर में 15 तहसील है। पक्का? जी सर। तो क्या हमारी सभी 15 तहसीलों में पानी पहुंच गया? सर सभी तहसीलों में नहीं, लेकिन हाँ चूंकि इंदिरा गांधी एक ही नहीं है, 3 वहाँ मुख्य रूप से इस टाइप की परियोजनाएं चल रही हैं। अच्छा, उसके तहत काफी कुछ क्षेत्रों में पानी पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो कितने जिलों को लाभान्वित कर रही है? सर 8 जिलों। 8 जिलों को कौन कौन से हैं? सर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बाड़मेर में स्थानीय नागरिकों को जी सर किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस समय? सर इसमें सर अशिक्षा काफी है आज भी। अशिक्षा है जी सर, और जो पानी की समस्या ऑल दो सॉर्ट आउट हो रही है, लेकिन चूंकि पहले ही सूखा प्रभावित क्षेत्र ही था पूर्ण रूप से और जमीन भी काफी बंजर रही है, तो खेती आज भी इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। अच्छा सर, और तीसरा है चूंकि ये रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल जो ये जो ऑयल वगैरह एक्सप्लोर होता है, गैस और ये, तो इनसे सर फायदे तो हुए हैं, लेकिन एक जो सर हमारा कल्चरल जो डिग्रेडेशन है वो भी हो रहा है सर, अपराध काफी बढ़ गया है सर लोकल लेवल पे। आपने बीटेक किया हुआ? जी सर। किस ट्रेड में किया? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, क्या रीजन है कि जैसे CS की तरफ तो बच्चों का रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, बट जैसे ये ट्रेडिशनल जो फील्ड है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम है? सर हम आए दिन देख रहे हैं कि हम काफी टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गए हैं, हमारे डेली की कोई भी एक्टिविटीज हो हम उसी हर कहीं वो जो IT और उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो ऐसे में सर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है उसको ऐसा लगता है कि वो कंप्यूटर और इससे जुड़े जो भी फील्ड्स हैं उनमें बेहतर अच्छा कर सकता है, और हम कभी बार IITs में ऐसे न्यूज़ भी देखते हैं जो एब्रप्ट चेंजेस आते हैं पैकेज में, 1 करोड़ के मिल गए, 2 करोड़ के, वो भी सर CS IT वगैरह में जाते हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं वो उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि हम CS और IT क्षेत्र में जाएंगे। आप हमें बताएंगे कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है? सर आधुनिकीकरण वो है जिसमें हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी हो या ऐसा कोई भी कदम हो जिससे हमारा जीवन और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके, लेकिन वेस्टर्नाइज का मतलब यह है कि हम आंख मूंद कर उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। भारत में क्या ट्रेंड चल रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है या पश्चिमीकरण? मैं इसको मिक्स्ड मानता हूँ। अच्छा, मिक्स्ड मानते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे है मिक्स्ड इकोनॉमी? सर हम एक तरफ वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को भी लेके चलते हैं, ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिनसे गरीब तबके का फायदा हो, और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ उसकी कुछ अवधारणाएं और उनकी जो कुछ आर्थिक पॉलिसीज होती है जिसमें इकोनॉमिक फ्रीडम और ट्रेड लिबरलाइजेशन जो 1991 के बाद चला आ रहा है, तो वो सर हमारा वो मॉडल भी है, तो मैं मानता हूँ मिक्स्ड है। आजकल इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी हो। पहले इंटरनेट थोड़ा महंगा था, गूगल इजीली एक्सेस नहीं हो सकता था, आज गूगल पे हर तरीके की चीज अवेलेबल है, कोई भी पर्सन कुछ भी देख सकता है, कोई भी साइट देख सकता है। तो क्या आप इस चीज को, इस इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को जो सबके पास पहुंची है, इसे कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल मानते हैं यौन अपराध के बढ़ने में?
जी मैम। किस तरह? मैम इसने पोर्नोग्राफी को बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया है, स्पेशली यंगस्टर्स को तो है ही, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके भी, हमने आजकल हम देखते भी हैं कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी इन यौन अपराधों में लिप्त हैं, तो मैं मानता हूँ एक बड़ा कारण है वो।